शुरू कर दिए। ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। सेकंड ईयर AHDP में आज मेडिसिन में हमने GI ट्रैक कंप्लीट कर लिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक GI ट्रैक, और अब हम श्वसन तंत्र की बीमारियां, अब रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उनकी बीमारियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि URI, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी, यहाँ से ये, वैसे तो इसको यहाँ तक ही गिनते हैं लेकिन ये भी ट्रेकिया को भी ले लेते हैं। URI जैसे अभी हल्का सा ऊपर ये गले से ये वाला सारा सिस्टम जो है, लैरिंक्स को भी ले लेते हैं इसके अंदर, अपर यानी कि ये फेफड़ों से, अभी ये नीचे ही नहीं गया फेफड़ों के अंदर, दैट इज अपर, बाकी लोअर हो गया। फिर ये परिचय में है श्वसन तंत्र के ऊपरी अंग लैरिंक्स ट्रेकिया ब्रोंकियाई ऑफ, और जब इन अंगों में सूजन आ जाती है तो कर्मश सेम, नाम वही रहेंगे, पहले भी आपको बताया है कि जो शब्द है उसके आगे आपने, अब ये लैरिंग्स है, ट्रेकियाइटिस ट्रेकिया, लैरिंग्स लैरिंजियाइटिस और ब्रोंकियाइटिस नामक बीमारियां हो जाती हैं, इसे ही URI कहते हैं। ट्रेकिया ब्रोंकियाई, ये तो ब्रोंकियोल्स तक पहुंच गए, URI ये तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कैसे हुआ। इन बीमारियों में पशु को सूजन की वजह श्वास लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है तथा श्वास लेने के दौरान गर गर की आवाज आती है, लेकिन इसमें फेफड़े एकदम स्वस्थ होते हैं। अब ये क्लियर हो गया, फेफड़े मतलब फेफड़े तक का मामला यहां तक जो है क्लियर है, इससे ऊपर ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया फेफड़े इसमें शामिल नहीं होते। बस कारण इसमें क्या होता है, गाय के अंदर इन्फेक्शियस बोवाइन राइनो ट्रेकियाइटिस एक्टिनो बेसिलोसिस काफ डायरिया काफ सॉरी काफ डायरिया काफ डिफ्थीरिया 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 गले की सूजन, ये आगे अपने पढ़ेंगे ये बीमारियों के नाम है। घोड़े में इक्वाइन हर्पीज वायरस, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेंगल्स, ये स्ट्रेंगल भी बीमारी है घोड़े की, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। शीप में कोरिनी बैक्टीरियम पायोजिन्स, ये इन्फेक्शन है बैक्टीरिया के, स्ट्रेप्टो वेस्ट्री फाइलोकोकस, और डॉग के अंदर केनाइन डिस्टेम्पर केनाइन हेपेटाइटिस, ये भी हम पूर्णतया विस्तार से पढ़ेंगे कि ये केनाइन डिस्टेम्पर क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, केनाइन हेपेटाइटिस क्या होती है। हेपेटाइटिस पीछे हमने पढ़ ली है, लिवर की सूजन, हेपेटिक सेल्स हमने पढ़ा, लीवर की सेल्स को हेपेटिक कहते हैं तो सूजन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब इसके प्रीडिस्पोजिंग कॉज क्या है, प्रीडिस्पोजिंग जिनसे ये हो सकता है, तो पहला है वातावरण में बदलाव, जैसे अधिक ठंड पड़ना, अधिक गर्मी पड़ना, वातावरण में नमी आना आदि, और खास तौर से आजकल जो अभी ये मौसम चेंज हो रहा है, अगर पंखा चला दो रात को ठंड लग जाए तो ये समझ लो कि ये नाक में से पानी, गला खराब, तो ये URI हो गया आपको, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया। धुआं, धुआं में विषैली गैसों का सांस द्वारा फेफड़ों में प्रवेश, कुत्ते द्वारा अधिक भौंकना और पशुओं का कुपोषण। सिम्टम इसमें क्या होंगे, लक्षण जो आएंगे वो बार बार पशु खांसता है, लंबा व बलपूर्वक श्वास खींचता है जिसे डिस्पनिया भी कहते हैं, इंस्पायरेटरी, यूं यूं आएगा इस तरह से आवाज खींचेगा वो डिस्पनिया। इसके बाद में लेरिंजियल रोयरिंग, श्वास लेते इसमें घर घर की आवाज आएगी क्योंकि
लेरिंजाइटिस होगी ना, लेरिंक्स सूज गया, फेरिंक्स, कई बार फेरिंक्स भी इस पे चपेटे में आ जाता है पास। शुरू शुरू में खुश्क खांसी खांसी आती है, बाद में बलगम आ सकता है। अब इसमें ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में इसमें पशु शुष्क व स्वच्छ वातावरण में रखें, पशु को दवा मुंह द्वारा नहीं पिलाने। बिल्कुल, अगर दवा मुंह द्वारा पिला रहे हैं तो वो ऑलरेडी जो है वो उसको फेरिंग्स है, फेरिंजाइटिस हुई हुई है, फेरिंग्स में सूजन, तो वो आपने दवा पिलाई तो वो और ज्यादा इरिटेशन करेगी, स्वेलिंग करेगी। पशु को दवा मुंह द्वारा नहीं पिलाएं, एक्सपेक्टोरेंट आदि को गुड़ में चटा में चटनी बनाकर। तो अब इसमें से हम क्या दे सकते हैं, ये एक्सपेक्टोरेंट में देखते हैं, इलायची बनाते हैं, इलायची चटनी। तो एक्सट्रैक्ट बेलाडोना 1 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड 4 ग्राम, कोडीन फास्फेट 2 ग्राम, पल्व ग्लिसराइजा ग्लटरी 20 ग्राम, और ट्रिएकल गुड़। मीठा यानी कि गुड़ जरूरी नहीं है, मीठा कोई भी हो, मोलेसस टाइप क्यूएस, तो इसको हम बना लेते हैं। और एक डोज ये है, ऐसी 6 बनाते हैं, और सुबह शाम एज इलेक्चुरी चटाते हैं उसको। ये इसका मतलब है, आप आगे इसको फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, अभी तो 2-3 चैप्टर शुरू में यही होते हैं, तो आपने पढ़ लिया होगा ये कि प्रेक्सक्रिप्शन लिखने का, पर्ची बनाने का फार्मूला आपने पढ़ लिया होगा उसको। पशु को एंटीबायोटिक्स देवें, सल्फानेमाइड दवा भी देवें, IV अथवा इंट्रामस्कुलर। और एंटीबायोटिक्स में मैंने पहले भी आपको बताया था, एजिथ्रोमाइसिन आपके लिए भी सेम ड्रग है, छोटे जानवरों में विशेष हम इसको काम में लेते हैं। एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन की टेबलेट्स 250 से 500 मिलती हैं, तो आप 250 की टेबलेट को सुबह शाम, अगर कभी आपने एंटीबायोटिक नहीं लिया तो, अगर आप कई बार एंटीबायोटिक ले चुके तो 500 भी सुबह शाम ले सकते हैं, डोजेस का क्योर हो जाते हैं। सल्फानीमाइड ये भी टेबलेट भी हैं, IV और इंट्रामस्कुलर, ये भी आपको सल्फा ड्रग्स मिलती हैं। तो ये मैंने आपको पीछे इसकी डोज के बारे में एक बड़ा इम्पोर्टेंट बताया था कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। पशु को एंटी हिस्टामिनिक एलर्जी, क्योंकि एलर्जी से भी हो जाती है ज़्यादातर, यही होती है, तो साथ में देते हैं ताकि सभी को ये कवर कर ले। एविल सीपीएम क्लोरपेनिलामिन मैलिएट कैटल में 10 ml इंट्रामस्कुलर। तो ये URI, ये जो फेफड़ों से ऊपर ऊपर का जो जो पोर्शन है, इसमें अगर इन्फेक्शन होता है, तो अगर फेफड़ों में होता है तो निमोनिया, आगे आगे पढ़ेंगे हम, आगे का हम सिस्टम पढ़ेंगे। अब है नक्सीर, जिसको हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं, एपिस्टैक्सिस। नक्सीर तो आम आप लोग सभी इससे परिचित हो, नाक में से खून आता है। श्वसन तंत्र के नासिका मार्ग की शिरा धमनी द्वारा हल्का खून बहने के लक्षण को नक्सीर कहते हैं। यदि खांसी के दौरान नाक से खून आए तो इसे हिमोपाटाइसिस कहते हैं, हिमोटाइसिस भी बोलते हैं इसको, पी साइलेंट भी रख लेते हैं हिमो, मैं तो इसको इस तरह से याद करता हूँ ताकि ये पी जो भूलें नहीं कभी, हिमोटाइटिस की जगह हिमोटाइसिस की जगह, हाँ अगर पी ना भूल जाए तो मैं इसको ऐसे ही याद करता हूँ, हिमोपाटाइसिस के नाम से आप याद करो, बोलो जब हिमोटाइसिस बोल दो चाहे, लेकिन आपके ध्यान में रहना चाहिए कि पी उसमें है, साइलेंट है, लेकिन आपने साइलेंट रख दिया तो ये कुछ और ही बन जाएगा, बट इसको हिमोटाइसिस कहते हैं। कारण है इटियोलॉजी, इसका मुख्य कारण नाक के ऊपर अथवा नाक के अंदर किसी बाह्य पदार्थ द्वारा चोट लगना, फंस जाना, हीट स्ट्रोक। घोड़ों में नाक द्वारा आमाशय नलिका डालते समय नाक की श्लेष्मा आदि को नुकसान पहुंच जाता, कभी दवा घोड़े में पिलाते हैं तो नासिका द्वार से पिलाते हैं ना, नाक से जो है वो ट्यूब पास करते हैं, ये ध्यान रखना।
गटरल पाउच से संक्रमण होना, गटरल पाउच में संक्रमण हो गया, अगर इन्फेक्शन हो गया। घोड़े को अत्यधिक गति से दौड़ना दौड़ाना, ग्लैंडर नामक रोग का होना, ये भी अंडरलाइन कर लेना, ग्लैंडर ये भी घोड़े का एक रोग है। ये दोनों ही बड़े भयंकर रोग हैं, ये होने के बाद में मुश्किल ही हो जाते हैं कि और करने इनको, ये बड़ी दिक्कत पैदा कर देते हैं, क्वारंटीन करना पड़ता है। ये बड़ा नामक रोग होना आदि भी नकसीर के कारण होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जो हमने अभी आपको बताया, एक तो स्ट्रेंगल और एक ग्लैंडर, ये नाम घोड़े की बीमारियों में आगे आएंगे, वो हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अन्य रोगों में जैसे नेजल ग्रेनुलोमा, नाक में गांठ का हो जाना, नाक में अगर गांठ है वही है तो नेजल ग्रेनुलोमा, नेजल पॉलिप्स, पॉलिप्स नेजल पॉलिप्स, ये देखना है पॉलिप्स। चलिए, परपेरा हेमरेजिका, एंथ्रेक्स, ये इनमें आपको, इन बीमारियों में आप पढ़ोगे कि एंथ्रेक्स के अंदर तो प्रत्येक जो है वो बॉडी का जो ओरिफिस है, सुराख है, वहाँ से सब में ही खून आता है, तो उस समय तो ये आएगा ही। इन्फेशियस एक्वाइन एनीमिया, तो ये इनमें नाक में से जो है वो खून आना शुरू है। सर्प के काटने से विनम के कारण, जहर के कारण भी आपने देखा होगा, सांप के काटने से भी ये ऐसा होता है। ब्रेकर्न फर्न एंड स्वीट क्लोवर पॉइजनिंग, ये भी पौधे हैं जिनसे खाने से पॉइजनिंग हो जाती है। एलर्जी के कारण नाक में ट्यूमर का होना, ये हमने देख लिया, नेजल ग्रेनुलोमा, नाक में ट्यूमर, घोड़ों को अधिक गति से दौड़ाना, तो ये एपिस्टैक्सिस के होने के कारण है। तो ये डायग्राम में आप देखोगे कि ये नाक में से खून आ रहा है घोड़े के, ये फोटो अच्छा दे रखा है ये समझ में, समझने के लिए। एपिस्टैक्सिस सिम्टम, इसमें एक अथवा दोनों नासा छिद्रों से ताज़ा खून का आना, खून बूंद बूंद ड्रॉप बाय ड्रॉप अथवा धार के रूप में स्टीम आ सकता है, कभी कभी पशु खून को निगल भी लेता है। उपचार में पशु को आराम दें, नाक पर अत्यधिक ठंडा पानी डालें अथवा बर्फ लगावें। ये जो जगह है ऊपर नाक में से आ रहा, तो यहाँ आप बर्फ को लगाएं, यहाँ यहाँ ठंडा पानी जो है वो डालें, सिर में भी डाल दें, कोई ऐसा बुरा नहीं, सिर में भी डालें, नाक पर अत्यधिक ठंडा पानी डालें तो बर्फ लगाएं। दोनों नासा छिद्रों में रुई, एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन द्रव्य लगाकर प्लग कर दें। अब देखिए, एड्रेनलिन ये दवा है, एपिनेफ्रिन ये दवा है, ये आप होम्यो इसमें फार्मेकोलॉजी में अच्छी तरह से आप इसका इसको पढ़ोगे कि क्या करती है एड्रेनलिन, ये क्या करती हैं, ये जो जहाँ से ब्लड आ रहा है उस आर्टरी या वेन जो भी है वहाँ पंचर हुई है, वेन ही हुई होगी, ऐसा नहीं होता, आर्टरी तो थोड़ा डीप होती हैं, तो वो अगर रप्चर हुई है तो जो ब्लड आ रहा है तो उसका कैलिबर यानी कि उसकी उसकी उसका सुराख कंट्रैक्ट कर देंगे, उसको कम कर देंगे, तो ब्लड आना कम हो जाएगा। तो इनका ये रोल है, एड्रेनलिन लगाते हैं, एपिनेफ्रिन, इनका ये रोल है, तो ये इन्होंने कर दें। अथवा एड्रेनलिन 1:50,000 की डाइल्यूशन वाले नाक में बूंद बूंद कर सीधा भी डाल सकते हैं, वहाँ आप उसमें जगह पे देख के उसको। खून का स्राव रोकने के लिए निम्न औषधियाँ इंट्रामस्कुलर देते हैं हम, क्रोमोस्टेट 10 ml इंट्रामस्कुलर कैटल के लिए है, क्रोम
आती है दवा, वो टीटी के फार्मा की है, वो लाइफ फार्मा की थी, 10 ml इंट्रामस्कुलर। स्ट्रिप्टोबियोन ये भी मर्क्स का है कंपनी का, ये भी 10 ml। इंजेक्शन कैडीक्रोम कैडिला का है, और बुट्राफॉस इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन। अब अगर ये दोनों तीनों से काम नहीं मान लो चला, तो ये बुट्राफॉस जो है ये बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट है, ये बड़ा डॉग में बड़ा अच्छा काम, मैंने इसको यूज करके देखा। बुट्राफॉस ये आप लगाएं, ये 6 ml कैटल की डोज है, ये 1 ml सफिशियंट होता है डॉग में, तो ये आप यूज करें। इनके नाम याद करें, अक्सर जो है विटामिन के कैपिलिन के नाम से आता है, यही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ना कोई नाम याद आता है, तो विटामिन के कैपिलिन के से कैपिलिन याद रह जाता है। ये भी 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, लेकिन बुट्राफॉस इनमें छोटे जानवरों में वेरी इंपॉर्टेंट है, और बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका है। देखा, अधिक खून निकले पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। अब हमने जहां URI पढ़ा, तो URI तो हमने आपको बताया था कि यहां तक फेफड़ों से ऊपर ऊपर का था, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब जो है वो हम फेफड़ों का इन्फेक्शन जो होता है उसमें हम कहते हैं निमोनिया। अभी हम मैंने आपको पहले उस समय भी आपको बता दिया था निमोनिया, तो अब हम निमोनिया पढ़ेंगे। जब फेफड़ों की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाती है, और यह सूजन जब ब्रोंकियोल्स तक पहुंच जाती है, छोटे छोटे जो हवा जहां लास्ट में पहुंचती है ब्रोंकियोल्स, तो पशु के श्वास की गति बढ़ जाती है, खांसी आती है, बुखार भी हो जाता है, इस स्थिति को निमोनिया कहते हैं। यह मुख्य रूप से पशुओं में 3 प्रकार का होता है, ब्रोंको निमोनिया, उसके बाद में लोबर निमोनिया और ड्रेंचिंग निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया, इसे लोबुलर निमोनिया व कटारल निमोनिया भी कहते हैं। इसमें लोब्यूल्स में सूजन आ जाती है, लोब्यूल्स जो है, अभी आप इसको जब एनाटॉमी में पूरा देखोगे कौन से ब्रोंकियोल हैं, लोब्यूल हैं जिसके अंदर हैं, तो ये पूरा का पूरा फेफड़े का आप उसमें पढ़ोगे, तो उनकी अलग अलग सूजन को ये जो है लोब्यूल्स में सूजन आती है, ब्रोंको निमोनिया। उसके बाद में लोबर निमोनिया, इसे एक्यूट अथवा कोरोपस निमोनिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संक्रमण फेफड़ों के खंड लोब्स तक पहुंच जाता है। इस प्रकार का निमोनिया पशुओं में कम ही पाया जाता है, लोब्स तक, तो लोबर हो गया। ड्रेंचिंग निमोनिया, ये ज्यादातर आम मिलेगा, ये तो हम जानबूझ के कर देते हैं पशु के निमोनिया, अगर ध्यान से मान लो नहीं, अगर आपने दवा दी जानवर को, तो इसे एस्पिरेटरी निमोनिया भी कहते हैं। पशु को जब दवा मुंह से पिलाई जाती है, तो गलती से दवा श्वास नली द्वारा फेफड़ों में चली जाती है, तथा पशु हाँपने लगता है, तथा पशु को श्वास लेने में कठिनाई होती है। यह सबसे खतरनाक पशुओं का निमोनिया है, बहुत मुश्किल है इसका ट्रीटमेंट, संभव नहीं है अगर ज्यादा चलेगी, अगर थोड़ा बहुत है तो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक दे के सुखाया जा सकता है, वरना दिक्कत बहुत बड़ी। कारण है इसका, भौतिक कारण है, फिजिकल एजेंट्स में पशु जब एकाएक ठंडे आंद्रता वाले वातावरण में, ह्यूमिडिटी वाले में संपर्क में आ जाए, पशु में गैसों व रासायनिक पदार्थों का श्वास के साथ फेफड़ों में प्रवेश करना, पशु के आहार की कमी, पशुओं को अधिक काम में लेना, बैक्टीरियल एजेंट्स कौन कौन से, पास्चुरेला मल्टोसीडा, CBPP एंड CCPP, अब इनके नाम है। CBPP का है कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, और CCPP का है कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया। तो ये तो कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया ये कैटल का है, और ये भेड़ों में है, शीप गॉट में। कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस,
कारण है इसका ट्यूबरकुलोसिस का होना। ईकोलाई, ग्लैंडर्स अभी पीछे पढ़ा हमने, साल्मोनेलोसिस, स्ट्रेप्टोक्वाइन इन हॉर्स, तो ये कारण हैं इसके, जीवाणु यानी बैक्टीरियल। अब विषाणु में, विषाणु में हमारे पास जो है एडिनो वायरस, वायरल निमोनिया इन काफ। घोड़े में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन इन्फेक्शियस प्लूरल निमोनिया, इक्वाइन राइनो निमोनिया, तो ये सारे के सारे इसमें वायरस के कारण है, वायरल है। अब परजीवी कारण, लंग वर्म, फेफड़ों के भी कीड़े होते हैं ये ध्यान रखना, हार्ट वर्म होते हैं, लंग वर्म होते हैं, स्टोमक वाले इंटेस्टाइन वाले तो हम जानते हैं आमतौर से पड़े हुए हैं, लेकिन ये ध्यान रखना हार्ट वर्म भी होता है, लंग वर्म भी होते हैं। तो ये देखिए लंग वर्म एंड लार्वा करो इसको, लार्वे ऑफ एस्केरिस परजीवी लार्वा, ये लेवी लावी लार्वी लार्वी एल ए आर वी लार्वी ऑफ एस्केरिस, लार्वा जो पनपते हैं छोटे फिर उससे बनता है ये परजीवी। तो आप इससे तो बायोलॉजी वाले एग्रीकल्चर वाले दोनों ही परिचित हैं। अब है फंगल एजेंट, फंगल में एस्पेरिगिलस और क्रिप्टोकोकस स्पीसीज आदि जो हैं वो इसके लिए जिम्मेवार हैं। ये पढ़ेंगे हम, जब हम फंगल डिजीज आगे पढ़ेंगे तो एस्पेरिगिलस क्या है, एस्पेरिगिलस और क्रिप्टोकोकस भी, ये हम आगे पढ़ेंगे। सिम्टम पशु में लक्षण, पशु के श्वास की गति तेज हो जाती है, पशु को बार बार खांसी आती है, इलाज नहीं मिलने पर पशु को श्वास लेने में दिक्कत हो जाती है, पशु मुंह खोलकर जीभ को बाहर निकालकर भी श्वास लेता है, श्वास के साथ घर घर की यानी कि ग्रंटिंग आवाज आती, नाकों से पतले पानी से गाढ़ा सफेद पीला मवाद जैसा स्राव आता है। ट्रीटमेंट, खैर यहां आवश्यकता नहीं है आपको डॉक्टर्स के, ये आवश्यकता है कि अगर स्टेथिस्कोप से अगर हम उसको चेक करते हैं तो उसमें अलग तरह की आवाज़ें जो हैं वो साउंड सुनाई देती हैं, इससे पहचान आती है सांस की आवाज़ जो है वो, लेकिन आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, ये डॉक्टर्स के लिए है, शायद आपको स्टेथोस्कोप से कोई इतना नहीं वास्ता पड़ेगा इसलिए शायद इन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो आप इन्हीं को याद करें। उपचार ट्रीटमेंट, वैसे स्टेथोस्कोप से भी बहुत अच्छा डायग्नोज जो है वो होता है। ट्रीटमेंट में पशु को अन्य जानवरों से अलग कर गर्म वातावरण में रखें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक अमोक्सिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन स्फेलोस्पोरिन विटासेप डाइक्रिस्टिसिन और टेरामाइसिन, ये दवाइयाँ स्फेलोस्पोरिन ज़्यादातर अमोक्सिक्लोक्स देते हैं, ज़्यादातर अमोक्सिक्लोक्स ज्यादातर। सल्फा औषधि में ट्राइमिथोप्रिम और सल्फा मेजाथिन, ये भी हमने पढ़ लिया, 33/1/3% सॉल्यूशन आईवी देते हैं, कितना देते हैं ये मैंने डोज बता रखी है, इसमें 30 ml/50 kg बॉडी वेट, बस उसका अंदाजा लगा लो कितने किलो और उसे कैलकुलेट कर लो। फंगल में फंगल में आपको ग्रीसोफलविन होता है शायद, ग्रीसोफलविन शायद ये वो ग्रीसोफलविन शायद टेबलेट का नाम है,
ग्रीसोविन, निस्टाटिन, हाँ तो ट्रीटमेंट में ही दे रहे हैं फुफोदिकारक में, तो ग्रीसोविन, ग्रीसोफलविन लिखो आप, ग्रीसो या ग्रीसियोफलविन, ग्रीसोविन भी हो सकता है, ग्रीसियो, इसमें आप नोट करना GRISEO, ग्रीसियो FULVIN, ग्रीसियो फलविन, इस नाम से जो है वो साल्ट है। निस्टाटिन और एम्फोटेरिसिन, ये 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट टू स्मॉल एनिमल इंट्रामस्कुलर और आईवी, ये फंगल के कारण अगर ऐसा होता है तो। परजीवी कारक में क्या करेंगे, डाई इथाइल कार बे मेजाथिन साइट्रेट, परजीवी कारक में डाइथाइल कार्बेमेजिन साइट्रेट, जनरली टेट्रामिजोल ही देते हैं, टेट्रामिजोल ज्यादा बढ़िया, टेट्रामिजोल साबुन आता है टेट्रामिसोल के नाम से, टेट्रामिजोल, फेनबेंडाजोल, नो टेट्रामिजोल तो ये तो पाउडर है भाई, सॉरी नो, परजीवी में टेट्रामिसोल पाउडर है, यस ये पाउडर पाउडर है, टेट्रामिजोल अलग से आता है, बिल्कुल सही है, ये पाउडर है, फेनबेंडाजोल है, पिलामे अथवा आइवरमेक्टिन इंजेक्शन आता है, ये सब किट देने, इसको ध्यान में रखें, वो टेट्रामिसोल साबुन बाह्य बाहर उसको नहलाते हैं जैसे डॉग वगैरह को, ये भी कई बार उसमें फंगल डिजीज में काम करता है, इन्फेक्शन में तो करेगा ही करेगा, डेटमेसोल ये साबुन से नहलाते हैं, ज़्यादातर उसमें सभी को कवर कर लेता है, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, और भी कई तरह के जो है वो, अगर स्किन प्रॉब्लम है तो उसको सारी के लिए एक साबुन जो है टेट्रामिसोल के नाम से आता है, मेरे वो याद आ गया, तो ये है टेट्रामिसोल पाउडर आता है, यस ये एंथ्रोमेटिक है, फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, ये सबसे बेस्ट है, आजकल तो आम मिल जाता है और इसको ही ज्यादातर प्रेफर करते हैं लोग सब कट लगा में, तो आइवरमेक्टिन 7 ml बड़े जानवर में, ये ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका ये, और 1 ml छोटे जानवर में जब आप लगाएं तो 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, ये ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं लगाएं कभी भी, और 20 days के बाद में आवश्यकता अनुसार रिपीट भी कर सकते हैं, ये लिख लें यहाँ पे आप इसको, बड़े जानवर में 7 ml से कभी एक्सीड नहीं करें इसको, छोटे में 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, और सब कट लगाएं, ये आवश्यकता ध्यान दें, कभी इसको इंट्रामस्कुलर नहीं दें, यदि पशु मुंह खोलकर श्वास ले रही हो तो भेड़ व बकरी में इंजेक्शन, टाइलोसिन टार्ट्रेट, यस टाइलोसिन टार्ट्रेट 6 से 8 mg पर kg बॉडी वेट और 1.8 ml पर 30 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर 1 से 3 दिन तक इसको दें, और गाय में 10% टायमोटिन 15 ml, ये जो सेम है टाइलोसिन, टाइलोसिन के नाम से आता है, 15 ml इंट्रामस्कुलर दें, कफ इलेक्चुरियम, उसको कफ इलेक्चुरियम में अमोनियम कार्ब, अमोन कार्ब 6 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड 4 ग्राम, ग्लिसराइज अम्लटी पालो पाउडर 30 ग्राम, और ट्रिएकल सेम QS सफिशियंट मात्रा में, क्वांटम सफिशियंट में इलेक्चुरी बनाएं, ऐसी 6 खुराकें और BID गुड़ के अंदर साथ में देंगे उसको। बाजार में बने कफ पाउडर आते हैं जैसे कैफलोन है, कॉफ मिक्स है, कॉफलिक्स है, कैट कॉफ है आदि, ये भी सेम, तो ये लगभग 30 से 50 ग्राम हम लेते हैं, और किसी में बना करके उसकी चटनी, मीठे किसी में बना लो, गुड़ में बना लो चाहे, तो उसको जो है वो चटाते हैं सुबह शाम। पशु को एंटी हिस्टामिनिक भी देते हैं जैसे इंजेक्शन एविल है, इंजेक्शन जीत है, ये इंजेक्शन फिनार्गन है आदि इंट्रामस्कुलर, ये हम देते हैं, ये भी एंटी हिस्टामिनिक है। गर्म पानी में दवा डालकर नीचे मुंह करके मुंह को ढककर पशु को बफारा फॉर्मेंटेशन निम्न औषधियों का दें, ऑयल टर्पेंटाइन
विक्स और टिंचर बेंजिन, ये हम उसको बाल्टी में गर्म पानी एकदम से उबलता हुआ पानी ले लें और उसमें ये दवा डाल दें, उसमें से जो भाप निकलेगी जानवर का मुंह उसके नाक उसके ऊपर करें, धीरे 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 जब वो भाप उसके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाएगी फेफड़ों तक, तो उससे उसको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। तो आज हम इतना ही, नेक्स्ट जो हम ब्लूरिसी को नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू भाई।